स्थान श्री राम साधना आरण्य के ठीक बगल में ऊंचे हिस्से में श्री उड़िया बाबा का आश्रम आज पहली बार दर्शन ये वट वृक्ष हो सकता है वट सावित्री के दौरान इसकी पूजा अर्चना होगी। ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या की अपने हाड़ को कपाया यहाँ साधना आरण्यक पीछे श्री चक्र तीर्थ के दर्शन। और ये पूरा एरिया एक ये पेड़ देखिए कटा हुआ और ये वट वृक्ष और दूसरा इसमें पाकड़ है कि क्या है ये दूसरा वाला सेमर वट वृक्ष और सेमर। जेष कृष्ण अमावस्या बरगदाही जयंती जो कि बहुत जल्दी आने वाली है उस दिन यहाँ हम भी कम से कम कोशिश करेंगे कि धागा इनके चारों तरफ बांधा जाए। जय गुरुदेव जय महाकाल। अंदर देखिए कितनी दूर तक गया है ये कहाँ तक ये नहीं मालूम है। हाँ यहाँ से हो सकता है कि सीधे वहाँ तक न यार देखो भैया जड़ बाबा ने नीचे तक कर दी है। पांच पांच बाबाओं ने तपस्या की है अंदर। जय गुरुदेव जड़ें हैं देखिए नीचे का दृश्य ऊपर से नाला बगल में सिक्स बगल में हमारा श्री राम साधना आरण्य वो उधर सामने ऊपर वाला मंदिर कौन है वो है सूतगति आश्रम वो तो यहीं पीछे से रास्ता गया गेट पे चलो जय गुरुदेव। ये नहीं समझ में आया ये इसमें चरण बने हैं क्या है? ये चरण बने हैं क्या इनके? हाँ, हाँ। चरण प्राचीन शिव मंदिर माँ पार्वती शिवलिंग और ये मूर्तियाँ जो कि पहचानी नहीं जा रही हैं। ये सामने आता हुआ रास्ता श्री चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में श्री राम साधना आरण से थोड़ा आगे चल के उड़िया बाबा का आश्रम कहीं लिखा नहीं है वैसे उड़िया बाबा आश्रम है। एक शिवलिंग और शिव परिवार गणेश जी माँ दुर्गा शिवलिंग के दर्शन नंदी भगवान देखते हुए श्री वेद व्यास संस्कृत महाविद्यालय महाविद्यालय मैंने डिग्री कॉलेज लेवल का उड़िया बाबा आश्रम स्कूल की जर्जर बिल्डिंग संस्कृत महाविद्यालय किससे अटैच्ड है ये तो मालूम नहीं है पूछने की ज़रूरत है वैसे इसको। ये देखिए हमारा श्री राम साधना के आरण्य सामने रैन बसेरा बनते हुए ऊपर इधर आजकल ये रात में काम हो रहा है दिन में कम हो रहा है गर्म बहुत है ना। हाँ ये कह रहा था भैया मैं चलो आप तो यहाँ एक से एक चीज़ रखे हो बना के हैं। देखिए हनुमान जी विराजमान अरे हनुमान जी बाबा तेरे चरणों की जय बजरंग बली। आज आपने धन्य कर दिया बजरंग बली क्या पेड़ है इसकी डालें देखिए। चलिए इसको वो सामने श्री राम साधना आरण्यक रैन बसेरा बनता हुआ उड़िया बाबा का आश्रम।